आप सबके भोजपुरी के सुपर डुपर पावर गुंडा श्री राजपूत ऋषि राजपूत जी से मैं आप सबको मिलवा रहा हूँ। आप लोग देख भी रहे हैं कि मेरे सामने ऋषि राजपूत जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज से 4-5 महीना पहले लाइव में भी आए थे आप सबके सामने। इनका एक मूवी का, बहुत अच्छा मूवी का शूट हो रहा था, उस मूवी का क्या नाम था ये इनसे ही हम आप लोगों को बुलवाता हूँ। तो जहाँ मैं इससे पहले इनका इंटरव्यू लिया था उसी कंपनी में फिर से आया हूँ, रॉक स्टार फिल्म प्रोडक्शन और श्री पार्वती डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पुपरी सीतामढ़ी। तो इनसे मैं आज इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो देखिए क्या कह रहे हैं ऋषि राजपूत जी, भोजपुरी के पावर गुंडा। बहुत बहुत स्वागत हो सर आपको, और कैसे क्या आपके मूवी के शूट के बारे में कुछ जानकारी लेना है, कुछ पब्लिक लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अपने पब्लिक लोगों को क्या कहेंगे आपने? सबसे पहले मैं जितना भी श्रोतागण है जी, और रॉक स्टार कंपनी को जितने भी लोग जानने वाले हैं जी, उनको मैं जय हिंद बोलना चाहूँ। चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी हूँ उसमें एक रॉक स्टार फिल्म का सदस्य, बिल्कुल बिल्कुल आप भी हैं, जो भी है तो आप सभी को बोले। तो चलिए आप सबको भी, अभी आप लोग जितने भी भाई देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए हम लोगों को, इन लोगों को सबको धन्यवाद बहुत बहुत दिल से। और आपने कहा मेरे फिल्म के बारे में जी, जो मेरे फिल्म का नाम था टेंगारी से फारदे जी, ठीक है जी, तेल लगा के जी, ठीक है जी। तो मेरा फिल्म पूरा कंप्लीट है जी, तो मैं कहीं गया भी जी, तो जितने भी श्रोता गए थे हमको बोले कि सर आपका फिल्म आने वाला है, मैं बोले बिल्कुल भाई आने वाला है जी। तो वो फिल्म कंप्लीट मेरा हो चुका है भाई, अब उसको सेंसर बोर्ड में मैं दे दिया हूँ। होली के शुभ अवसर पर मैं चाह रहा हूँ कि वो फिल्म रिलीज हो जाए। अच्छा अच्छा, तो होली के शुभ अवसर पर यह टेंगारी से फार दे जी, तेल लगा टेंगारी से फार दे जी, टेंगारी से फार दे। अच्छा अच्छा, तो अपने श्वेता लोगों को क्या कहेंगे, मूवी कब रिलीज आपका हो रहा है? मेरा मूवी आपको होली के समय में रिलीज हो जाएगा, सेंसर बोर्ड को मैंने दे दिया है जी, उनसे हमारी बातचीत भी हुई जी, तो उन्होंने कहा जी, सेंसर बोर्ड के जो मालिक है राजीव जी जी, तो उन्होंने कहा कि सर आपका फिल्म जो है जी, वो होली के टाइम में रिलीज हो जाएगा, एकदम 100% रिलीज हो जाएगा, होली के टाइम हो जाएगा, तेल लगा के जी। अच्छा अच्छा, तो चलिए बहुत खुशी हुई कि आपसे मिलकर, आप इससे पहले भी आए थे, बहुत खुशी हुई, और मैं बीच बीच में आपको फिल्म के सेट पे शूट करते, अभी फिर कोई दूसरा मूवी आपका शूट हो रहा है और बन रहा हो जी? मेरा एक फिल्म और आ रहा है जी, ग्रीस लगा है। ग्रीस लगा जी? अच्छा अच्छा, उस मूवी का नाम है ग्रीस लगा, मूवी का नाम है ग्रीस लगा। आपके यहाँ आकर के तो एक चीज का बहुत ये लगता है कि इससे पहले भी आए हुए थे तो आपके यहाँ कंपनी से जो मूवी बना था टेंगारी से फारदे, ये भी एक अजूबा नाम था, और अभी जो ये ग्रीस लगा थे, ग्रीस लगा के ना जी, तो ये ग्रीस लगा के ये आपका भोजपुरी का सबसे हटकर के नाम रहता है ऐसा? मेरा इसलिए हटकर के नाम रहता है कि जितने भी हीरो लोग जो फिल्म निकालते हैं तो सब सुना हुआ नाम रहता है। अच्छा, लेकिन कम से कम लोग मेरे फिल्म में लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई ग्रीस लगा के ये क्या फिल्म जी, जी। लोग उनके नाम से ही विचलित हो जाते हैं। भाई देखिए, जब भी आप लोगों को सामने में आता, इससे पहले भी वो भी एक अजूबा नाम था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भैया हैं जो कहे भी थे हम लोगों को भी चैनल के मार्फत से कि भैया ये मूवी कब आएगा, और इसका नाम भी अजब है, टेंगारी से फार दे, अजूबा नाम है। लेकिन इस बार आप सबके सामने भी देखिए एक और मूवी है, ये टेंगारी से फार देने के बाद भी ये इससे भी हट पड़ा है, ग्रीस लगा जी, तिल लगा। अच्छा अच्छा सर, तो ये ग्रीस लगा के तो ये मूवी आ ही रहा है आपका, यही है मूवी आपका, इसका शूट अभी जारी है कि अभी होने वाला है? नहीं नहीं, अभी इसका शूट थोड़ा मोड़ा चल रहा है, और अभी बाकी, अभी पूरा बाकी है समझिए उसको जी। अभी मैंने कि ये फिल्म जो है ना जी, तो वो अभी शूट जारी है। अच्छा अच्छा, शूट इसका जारी है जी। अच्छा अच्छा, तेल लगा के। अच्छा सर, ये मूवी आपका टिंगारी से फार दे, ग्रीस लगा के, आपने इस मूवी में जितने देर तक हमसे बात किया सब वर्ड में आप कहते हैं तेल लगा के, तेल लगा के, तेल लगा के, तेल लगा के, तेल लगा के क्या है सर? देखिए मैं आपको बताना भूल गया था जी, इस मूवी में जो है ना जी, मेरे जो टेंगारी से फारदे जो मूवी है जी,
उसमें कुछ इतना देर का सीन है ना जी, जो उसमें सब बात में कहना है कि तेल लगा। ओ अच्छा अच्छा, मूवी में हमारे तेल लगा। ये भैया हमको वही बात याद आ जाता है, एक भोजपुरी के पावर मुंडा ऋषि राजपूत जी का कहना है मूवी में कहते हैं तेल लगा की, तो वही बात अभी भी हमको याद रहता है। वो अच्छा, तो अभी हमको बोला जाता है तेल लगा के। अब तब ये तेल हम भी कहेंगे कुछ और ना सोचिए तेल लगा के। श्रोता गण आप लोग ये बात मत सोचिएगा भैया, ये हमारा मूवी जो है ना उसमें जो एक इंस्पेक्टर जी रहते हैं जी। तो वो कोई भी बात आते हैं ना मेरे पास तो उनको मैं बोलता हूँ भैया तेल लगा। अच्छा, तो इसके लिए भाई बुरा मत मानिएगा। अच्छा अच्छा, तेल लगा के आपने सुना कि इनका अजूबा नाम से फाड़ दे, उससे भी अजूबा नाम है ग्रीस लगा के। और इन्होंने जो उसमें एक्टिंग किए हैं, जो रोल किए हैं, इन्होंने बड़े कैमरे पे बड़े पर्दे पे जो अपना रोल अदा किए हैं, जो आप लोग के बीच सिनेमा हॉल के लगेगा बड़े पर्दे पे रॉकस्टार फिल्म के बैनर तले, तो उसमें भी एक अजूबा नाम आपको सुनने को मिलेगा तेल लगा के। तो उसका भी इंतजार आप लोग कीजिएगा। ऋषि राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे मैं फिर अगले नेक्स्ट टाइम में इंटरव्यू लूंगा। बहुत बहुत जय हिंद जय भारत। आप भी कुछ दर्शक भैया एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोग भैया, अपना रॉक स्टार फिल्म प्रोडक्शन जो है जी वो जो है बहुत ही पैमाने पे चल रही है जी जी, ठीक है जी। और मैं सभी श्रोतागण से यही कहना चाहूंगा कि एक बार कम से कम जी आ करके रॉक स्टार फिल्म प्रोडक्शन में जी एक बार जरूर आ करके आप लोग अपना गाना आइडियो वीडियो सब चीज बनवाएं। अच्छा। और अच्छा लगेगा जी, तो आप लोग खुद ही आइएगा जी, ठीक तो है। एक बार आप अपने जुबान से ही बता दीजिए कि कहाँ आना पड़ेगा आप लोगों को। आना है भैया जी रॉक स्टार फिल्म प्रोडक्शन जी एंड पार्वती डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो जी, सीतामढ़ी बिहार पुपरी में है ये आपको। अच्छा अच्छा, सीतामढ़ी बिहार ये पुपरी में जी जी, ये पुपरी में पड़ती है जी, सुरसंड विधानसभा में पड़ती है। अच्छा अच्छा, और इनका रॉक स्टार फिल्म प्रोडक्शन के जो मालिक है जी रितेश रंजन जी उर्फ गोलू सिंह जी, इनका एक और कंपनी आपको सुरसंड, इनका एक और कंपनी है सुरसंड जी। चलिए तो बहुत खुशी हुई कि रॉक स्टार मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अच्छा अच्छा, मनोकामना वहाँ भी आप आ सकते हैं, वहाँ से भी जैसे यहाँ काम होता है सेम आइडियो वीडियो फिल्म में काम जी जी, बिल्कुल 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 भैया। तो चलिए, और आप लोगों के सामने अभी मैं थोड़ा कम वक्त दे रहा हूँ भाई लोग जी, कि मेरा तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है अभी जी, इसके बाद मैं फिर आऊंगा आप लोगों के सामने जी, और आप लोगों से जो कहना होगा श्रोतागण से जी मैं बिल्कुल कहूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, अपने छोटे भाई जो पार्वती डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जो मालिक है गोरी रितेश जी उनके बारे में, और मेरा तबीयत कुछ अस्वस्थ होने के कारण मैं अभी निकल रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और जितने भी भाई देख रहे हैं इस चैनल को आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, आप लोग भी यहाँ से सब काम कर सकते हैं। चलिए जय हिंद जय भारत।